और आज मैं मौजूद हूँ मेहर तानड़ साहिबा के सामने, जो पहले हंस पड़े हैं, जिनको कौन नहीं जानता, आप सब वाकिफ़ हैं, लिखती भी हैं, एडिटर रही हैं, मेरी कॉलीग रही हैं और ट्विटर पे मेरे साथ हैं, कभी झगड़ा भी कर रही हैं आजकल मुझसे बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, हम पुराने दोस्त हैं। तो मेहर आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये जो थिंक फेस्ट हो रहा है? मुझे तो यू नो वेल लवली टू सी यू। यस, हमारे डिसएग्रीमेंट्स ऑन वन साइड, वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स। द थिंग इज कि मेरा तो ये कि जब मैं पहले लिटरेरी फेस्टिवल पे आई थी ना लाहौर, तो मुझे यूं लग रहा था कि मैं वंडरलैंड में, वो डिज्नीलैंड में बच्चे। सो मेरे लिए तो दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस, लवली, दुनिया की इतनी जगहों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, आम नॉर्मल रेगुलर पाकिस्तानी लाहौर के लोगों को ये मौका मिल रहा है दैट दे कैन सी देम, दे कैन टॉक टू देम। और इनका इनके फेस्टिवल में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये के पीपल कैन एक्चुअली टॉक टू द स्पीकर, राइट राइट। वो इन्होंने वो लाउंज नहीं बनाया ना, आई इवन रेड दिस ऑन देयर वेबसाइट, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। क्योंकि हर मेरे साथ मेरा बेटा और मेरा 16 साल का नेफ्यू है, जो कि इवन दे वर इंटरेस्टेड टू कम, वो बच्चा कह रहा था कि मैंने आना है, और उन्होंने फिर आके डिसाइड किया कि हमने कौन सा सेशन देखना है। राइट, पाकिस्तान लाहौर के लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए, एज यू नो बिकॉज ऑफ द लिटरेरी फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा लोगों के व्यूज़ सुनने का, बिल्कुल है। और आई थिंक इस तरह की चीज़ कॉन्फ्रेंसेज और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और सारे पाकिस्तान में होनी। परफेक्ट। और मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आई नो यू हैव टू गो, अच्छा वो ये बताइए जिसमें हमारा झगड़ा होता है नए पाकिस्तान के बारे में, आप हमें तीन चार चीज़ें बताइए जो कि अच्छी हो रही हैं और जो कि क्रिटिक्स को समझ नहीं आ रही, और या वो सो मीन लुक, ऑल आई एम गोइंग टू से इज, सिंस आई एम अ प्रो पीटीआई पर्सन, इट्स नॉट दैट आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, हां नहीं, यू डोंट, द ओनली थिंग आई बिलीव इज के एज समबडी हु इज वेरी मच अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, ये तो नहीं कि मुझे इफेक्ट नहीं करती, सो आई विल ओनली गो ऑन दैट के आई नो के लोगों के पास जॉब्स भी नहीं है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, आई सीरियसली बिलीव कि इनकी जो लीडरशिप है वो काम कर रही है इन सारी चीज़ों की तरफ, और हर चीज़ की तरह टाइम तो लगता है बिल्कुल, दैट्स ऑल आई कैन से। अगर अगले एक साल, इस साल के एंड तक भी यही हालात रहे जो ये हैं, तो फिर मैं अपने व्यूज़ चेंज करने पे मजबूर हो जाऊंगी, बट राइट नाउ रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर ये शहबाज शरीफ की भी गवर्नमेंट होती या ये आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट होती, आई वुड हैव सेड द सेम थिंग कि टाइम दें, थोड़ा सा थोड़ी सी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, वो जो पॉलिटिकल अपोजिशन आपने सब लोग करते हैं फॉर द सेक, क्योंकि वो तो करनी होती है, आई थिंक एज अ पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू गिव दिस गवर्नमेंट अ लिटिल मोर टाइम। फेयर इनफ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैन, थैंक यू।